अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर रज़ा है और मेरा बैच 1909 ई है और मेरे फैकल्टी करीमुल्ला सर हैं। मेरा प्रोजेक्ट अवेयरनेस ऑफ कोविड-19 पर है, जो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट है कोविड-19 के बारे में। इस वेबसाइट पर बताया जा रहा है कोरोना कैसे आया, कहाँ से आया और कोरोना को कोविड-19 क्यों कहते हैं, और इस साइट में आपको कोविड-19 से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिंपली डू एंड डोंट एहतियाती तदाबीर के साथ तफसील से बताया गया है। इस साइट में आपको कोरोना से मुतासरीन सेहतियाबी और उनसे वफात पाने वाले लोगों की तादाद भी बताई जाएगी। ये तो हो गया हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रो। अब देखते हैं प्रोजेक्ट बनने के बाद दिखता कैसा है। ये हमारी कोविड-19 की वेबसाइट है, जो कि स्टैटिक है, और इसको बनाने में हमारा सिर्फ बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी हमने इस्तेमाल किया। ये इसकी फुल पेज पे है और ये हमारा डेटा है वर्ल्ड वाइड के टोटल कितने केसेस, डेथ्स कितने हो गई हैं और रिकवर्ड कितने हैं। ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा अप टू डेट आएगा आज की तारीख का। अब नीचे आते हैं, इसमें हमने बूट स्ट्रैप इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम यहाँ से चलते हैं अबाउट कोरोना के बारे में। ये हमारे पर कोरोना के बारे में अबाउट मिल जाता है कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे से कोविड-19 पड़ा और किस तरह ये फैला है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हर वो चीज़ यहाँ पर हम जाते हैं सिम्टम्स के अंदर। सिम्टम्स यहाँ पर बता देता है प्रिवेंशन, हमें किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी इसमें बताया हुआ है। ट्रीटमेंट का ये कि ट्रीटमेंट फिलहाल अब तक वैक्सीन बनी नहीं है, चल रहा है, फिर भी इसके बारे में हमने बता दिया गया है। FAQs हमने दिए कि जो मिथ्स हैं हमारे जहनों में या लोगों के जहनों में, उसके बारे में भी तफसीली बताया गया है। डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी तफसील से बताया गया है। रही बात, अब दिखाते हैं आपको कि हमने काम क्या किया, चले देखते हैं। ये हमारा मेन पेज इंडेक्स है, ज़ूम कर लेते हैं। इसमें हमने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, इसमें हमने कंटेनर लगाया है, रो बनाई है, कॉलम है, और उसमें हमने jQuery इस्तेमाल किया। jQuery के अंदर हमने थोड़ी सी फंक्शनलिटी लगाई है कि हमने API यूज़ की है जहाँ से हम डेटा गेट कर रहे हैं कोविड-19 का, ये हमारी API है, ठीक है। हम इसमें फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हमने फैच की है, फैच करने के बाद हमने इसको वेरिएबल में दिया और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये इसके बाद हमने इसके नाम जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो इसमें है, ये बैकग्राउंड इमेजेस हैं। इसकी जो मेन इमेजेस हैं वो ये हैं हमारे पास, और ये हमारे लोगो हैं। फ़ॉन्ट हमने गूगल से लिए हैं, रोबोटो और आसवर्ल्ड और नियोकॉन। उसमें हमने CSS भी इस्तेमाल किया, थोड़ी सी बूट स्ट्रैप को कस्टमाइज़ करने के लिए हमने CSS इस्तेमाल किया। ठीक, ये हमारा कोविड-19 का मेन पेज, पूरी स्टैटिक वेबसाइट तैयार हो चुकी है। होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।